तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नए वीडियो में। तो आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में पबजी पीसी लाइट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, मैं पबजी पीसी की बात कर रहा हूं, पबजी मोबाइल की नहीं। भाई कुछ लोग कहेंगे कि वो तो बैन है, वो बैन नहीं है। पबजी पीसी लाइट बैन नहीं है, जो पबजी मोबाइल है केवल वो बैन है। और इसके लिए आपको कोई वीपीएन भी नहीं चाहिए। तो चलते हैं अपने डाउनलोड की तरफ। सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है पबजी पीसी लाइट। और आपको इस चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। जो आपकी सबसे पहली लिंक आएगी, डाउनलोड प्लेयर अननोन लाइट पबजी, आपको इस पर ही क्लिक करना है। और आपको जो सबसे पहले देखने के लिए मिलता है वो है भाई इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो बी श्योर कि आप सबसे पहले इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही पढ़ें। मिनिमम है तो विंडोज 7, 8, 10, 64 बिट। CPU की बात करें तो कोर i3 हो या फिर AMD का भी कोई राइजन 3 हो, बट वो 2.4 GHz तक होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। रैम मिनिमम बात करें तो 4 GB। और GPU की बात करें डायरेक्ट एक्स 11 चाहिए और इंटेल के HD ग्राफिक्स 4000 सीरीज तक के। और लगभग इतनी जिसके पास i3 होगा ना भाई, उसके पास इतनी लगभग होती ही है। और हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए 4 GB। अब आती है रिकमेंडेड की बात, यहाँ पे है विंडोज 7, 8, 10 कोर i5 2.8 GHz। और अगर रैम की बात करें तो वो है 8 GB डायरेक्ट एक्स चाहिए हमें 11। और GPU की बात करें NVIDIA का GTX 1660 चल जाएगा, या सॉरी 1660 नहीं, केवल 660 चलेगा। और AMD में अगर बात करें तो रेडियन HD 7870, इसमें भी हार्ड डिस्क स्पेस 4 GB ही इनफ है। अगर मैं अपने केस में बात करूँ, मैं अपने केस में Ryzen 7 3700X और RTX 3070 यूज़ कर रहा हूँ NVIDIA की तरफ से। तो चलते हैं अपने डाउनलोड की तरफ। यहाँ पे नीचे जो आपको डाउनलोड का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जो कि है कुछ 65 MB के आसपास की। ये पबजी पीसी लाइट का पूरा सेटअप है जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको इस पर करना है डबल क्लिक और ओपन कर लेना है सेटअप को। ओपन करने के बाद एक परमिशन मांगेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ये परमिशन नहीं है, ये है आपकी विंडोज़ डिफेंडर की। इसको आपको रन कर देना है और यहाँ से यस कर देना है, ये है एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन। उसके बाद आएगा आपका मेन सेटअप, यहाँ पे आपको लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है वेलकम टू पबजी लाइट सेटअप विजर्ड, आपको बैकग्राउंड ऐप क्लोज कर देने हैं और अपने सेटअप पे ध्यान देना है। यहाँ से करना है नेक्स्ट। इस पूरे एग्रीमेंट को अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने पहले ही पढ़ लिया है तो इसलिए मैं कर देता हूँ आई एग्री द एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ से आप अपने गेम की इंस्टॉलेशन लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करूँगा। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है सी ड्राइव में, मैं अपनी डी ड्राइव में कर लेता हूँ, अपना भी पबजी लाइट का एक फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद है ये वाला टिक, मेक श्योर कि आप इस पर टिक करके रखें। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स हैं कि इसमें क्या क्या इंस्टॉल होएगा, उसके बाद कर देना है इंस्टॉल। इंस्टॉल केवल 10 से 20 सेकंड में हो जाएगा अगर आपके पास SSD है, और हार्ड डिस्क में कम से कम 5-6 मिनट लगेगी। यहाँ पे कर देना है ये अनटिक और उसके बाद कर देना है फिनिश। तो चलिए, अगर हमारा पबजी पीसी लाइट हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको प्ले करेंगे, देखते हैं ये कैसा गेम है। आपको डेस्कटॉप पे ही एक शॉर्टकट मिल जाएगी इसको ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना है इस पर डबल क्लिक। इसको आप ओपन करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होएगी, उसके बाद आपकी एक ऐसे विंडो खुल जाएगी, वहाँ पे लिखा होगा एंटर योर ईमेल और पासवर्ड। अगर आपके पास पहले से ही पबजी लाइट का अकाउंट है तो आप यहीं से ही डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नीचे बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं अपना अकाउंट बनाने के लिए, गूगल, फेसबुक, ट्विटर और डिस्कॉर्ड। और भाई यहाँ से आप नॉर्मल ईमेल से भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं अपना अकाउंट फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अपना अकाउंट फिल करने के बाद या फिर अपना अकाउंट नया बनाने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमेंबर ईमेल, इसको आपको टिक करे रखना है। इसके टिक करने से ना आपको बार बार अपना ID और पासवर्ड नहीं भरना पड़ेगा जब भी आप गेम खेलोगे। उसके बाद आपको कर देना है लॉगिन पे क्लिक, एक बहुत छोटी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपकी ये विंडो खुल जाएगी। इसमें है पबजी लाइट बीटा, ये बेटा वाला वर्जन है, पिताजी अभी इसके नहीं आए हैं। और यहाँ पे ये बहुत सारे इसके पबजी न्यू स्टेटस हो सकता है, आपने सुना हो उसके बारे में लिखा। और यहाँ से आपको कर देना है इंस्टॉल। अब यहाँ पे इंटरनल डाउनलोड होगा जो कि है 4 GB का, और भाई वैसे तो 4 GB ज़्यादा टाइम नहीं लेगी डाउनलोड होने में, बट हो सकता है आपको किसी मजबूरी की वजह से अपना PC शट डाउन या फिर लैपटॉप को शट डाउन करना पड़े, तो उसके लिए ना जितना भी आपने डाउनलोड किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सपोज़ अब जैसे मेरे यहाँ पे डाउनलोड होने लग रहा है ना, और मैं इसको बीच में ही बंद कर दूँगा, और फिर जब मैं इसको दोबारा खोलूँगा ना, ये वहीं से ही जितना मैंने डाउनलोड कर लिया था ना वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देखना, अब देखो गाइस, मैंने वहाँ पे ना थोड़ा सा डाउनलोड करने के बाद इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब मैं इसको
पबजी पीसी लाइट वाले सेटअप को दोबारा खोलूंगा और दोबारा इंस्टॉल करूंगा। और आप देखना मैंने जितना डाउनलोड किया था ना वो वहीं से ही स्टार्ट होगा, ये मैंने किया यस। और मैंने वो रिमेंबर वाला टिक हटा दिया था बाद में, तो मैं एक बार दोबारा अपना आईडी पासवर्ड लिख लेता हूँ इस पर। और अब देखो गाइस जैसे ही मैंने अपना ओपन किया यहाँ पे आया अपडेट लिखा हुआ आया है, यहाँ पे इंस्टॉल लिखा नहीं, और जितना मैंने कर लिया था ये वहीं से ही स्टार्ट हुआ है। मैंने इसमें जितना डाउनलोड किया था मेरा सेव रहा है, मेरा वेस्ट नहीं गया है। तो चलिए अब अपने पूरे गेम को हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अपने इनके फेसबुक पेज दे रखा है, सेटिंग्स दे रखी है, लैंग्वेज सेटिंग्स, आपकी ईमेल या फिर जीमेल आईडी, और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों अब हमारी इंतज़ार की घड़ी हो चुकी है ख़त्म, और अब कर देते हैं अपनी पबजी बेटे को स्टार्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक एंड रिपेयर, मर्जी आपकी करना चाहो तो कर लो वरना रहने दो, मैं नहीं कर रहा हूँ। सीधा करते हैं यहाँ से स्टार्ट के बटन पे क्लिक, तो हमारा पबजी बेटा क्षण लेगा कुछ चलने के लिए। इसको कुछ क्षण जरूर देना, अगर आप हार्ड डिस्क में यूज़ करते हो तो इससे भी ज़्यादा ये समय कंज्यूम करेगा दोस्तों, तो हमें भी 3-4 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये देखे दोस्तों हमारा पबजी बेटा चल गया है, पबजी कॉरपोरेशन यहाँ पे इसके सब पार्टनर्स का नाम आया है, और द प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड लाइट इनिशियलाइजिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग वेटिंग फॉर प्लेयर्स। और ये देखे दोस्तों हमारा पबजी का प्लेयर भी यहाँ पे सो मस्त आराम से आराम फरमा रहा है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मैच के लिए भी, यहाँ पे आपको सेटिंग्स भी देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे गेम प्ले सेटिंग्स, ऑडियो, ग्राफिक्स, और भाई वो सब अपने हिसाब से देख रहे हैं। मैं आपको अपने गेम में ग्राफिक्स दिखा देता हूँ मैं कौन से हैं। मैं 1080p 144Hz यूज़ कर रहा हूँ, और ये सब देख सकते हैं मेरे सभी की सभी सेटिंग्स अल्ट्रा है, और मैं अल्ट्रा सेटिंग्स में ही आपको इसका गेम प्ले दिखाऊँगा। तो चलते हैं अपने गेम की तरफ, इसमें आपको जो मैप के ऑप्शन मिलते हैं वो हर एक मैप मिलेगा आपको, यहाँ पे सोलो डुओ स्क्वाड और सोलो वर्सेस स्क्वाड भी आपको मिलने जाता है। यहाँ पे आर्केड मोड में आपको वो 4v4 का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप टीम डेथ मैच भी कहते हैं पबजी मोबाइल में। चलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि भाई इसका सर्वर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, तो चलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और हमारा मैच स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने लगाया है आर्केड का टीम डेथ मैच, आप यहाँ पे स्क्रीन पे कंट्रोल भी देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लो भाई इसका, क्योंकि शुरू में कंट्रोल को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं इस लोडिंग स्क्रीन का ख़त्म होने का। दोस्तों हमारा मैच यहाँ पे शुरू हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं 42 विन, और यहाँ पे हमें अपने बंदूक के उठाने का समय दिया गया है। यहाँ से अपनी को अपनी पसंद के हथियार चुन सकते हैं, जैसे कि अभी मैं चुनूंगा आप देख ही सकते हैं भाई, मैं चुनूंगा UMP9 और UG दीदी को, इनकी हम दम्बूकों की गोलियाँ भी उठा लेंगे, इनकी सारी अटैचमेंट भी उठा लेंगे। दोस्तों हमने सभी औजारों को उठा के अपनी दम्बूक में लगा लिया है, और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर भिड़ने के लिए। फर्स्ट किल दोस्तों किसी ने कर दिया है, कोई बात नहीं दूसरा किल हम कर देंगे, और ये क्या देंगे दोस्तों हमें मृत्यु दंड दे दिया गया है, कोई बात नहीं खून का बदला खून से ही ले लेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए सच में हेल्पफुल रही हो ना, तो आपको वीडियो के साथ वो करना है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।